हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकी ट्रिपी। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के काला जामुन। अक्सर आपने खोए के काला जामुन बनाए हैं या गुलाब जामुन बनाए हैं, लेकिन आज हम सूजी से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी जूसी काला जामुन इसके तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए आज तैयार करते हैं सूजी के काला जामुन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। तो आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी या बारीक, क्योंकि जो भी आप सूजी लें तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसे एक बार मिक्सर जार में डालकर ब्लेंड कर लें, बारीक कर लें थोड़ा सा। अगर हम ग्राम में देखते हैं सूजी, तो ये 200 ग्राम सूजी है। आप कोई भी सूजी लें तो उसको ब्लेंडर जार में डालकर जरूर बारीक कर लें। तो चलिए तैयार करते हैं सूजी को। मैं यहाँ पर ब्लेंड कर लेती हूँ और थोड़ा सा बारीक, बहुत दरदरा ही रखेंगे इसको। हम बिल्कुल पाउडर की तरह से नहीं बनाना है कि हमने पाउडर बना लिया, क्योंकि सूजी है थोड़ा सा तो दरदरी रहेगी ही। तो यहाँ पर ये सूजी तैयार हो गई है। अब हमने एक पैन लिया है और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, उससे पहले ही हम इसमें कढ़ाई में घी डाल रहे हैं। तो 2 चम्मच देसी घी यहाँ पर डाला है, और ध्यान रखें अभी गैस का फ्लेम ऑन नहीं है। और इस घी को हम पूरी तरह से कढ़ाई में अच्छे से फैला लेंगे, जिससे जब हम इसमें सूजी डालेंगे तो वो चिपकेगी नहीं और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से हम उसे मूव कर सकते हैं। तो अब मैंने घी डालने के बाद इसमें सूजी डाल दी है और गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और लो फ्लेम रखा है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें ये सूजी भूननी है 1-2 मिनट तक, क्योंकि हमें इसका केवल कच्चापन दूर करना है। कोई कलर हमें इसमें चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, बस इसका कच्चापन हमें दूर करना है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ना भूने, 1-2 मिनट में ये काफ़ी भून जाती है। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा घी के लम्स आ गए हैं, तो लेकिन जैसे हम इसे चलाएंगे भूनेंगे तो वो लम्स भी खत्म हो जाएंगे। तो हम इसे लगातार चलाते हुए 1 या 2 मिनट तक ही भूने, और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। देखिए सूजी भुन गई है, अच्छे से खुशबू हल्की सी इसमें से आ रही है। तो अब मैं इसमें डालूंगी दूध। तो इसका हम डो तैयार करेंगे। जो हमने दूध लिया है वो 1 कप लिया है, क्योंकि 1 कप सूजी ली थी और उसी कप से लाकर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो आप सूजी की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है कि सूजी कई बार 1 से 1.5 कप दूध भी इसमें डो तैयार करने में लग जाता है, और कभी कभी 1 कप दूध ही सफिशियंट रहता है। तो मैंने यहाँ पर केवल 1 कप दूध ही यूज़ किया है, और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसका डो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे मावा होता है या फिर आटा होता है, बिल्कुल इसी तरह का डो तैयार हो जाएगा। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, और यहाँ पर 1 ही कप दूध का यूज़ हुआ है। तो इसे लगातार लो फ्लेम पर हम पका लेंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे जैसे जैसे ये चलाएंगे ना, आप चेक करेंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है। इसके कुछ टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन आपके बनेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना चपटे होंगे, ना हार्ड होंगे, ना ही घी में डालते ही फैलेंगे। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सारी टिप्स फॉलो कर सकें। तो आप देख रहे होंगे इस समय भी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, और लो फ्लेम पर मैं इसे लगातार चला रही हूँ, और धीरे धीरे ये हमारा सूजी का बैटर गाढ़ा हो गया है। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। इस समय थोड़ा सा कढ़ाई से ये चिपक रहा है, तो इस समय पर मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा घी डालने के बाद चिपकना छोड़ देगा और हमारी जो सूजी के गुलाब जामुन है, काला जामुन है, वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे घी डालने से। तो देखिए घी डालने के बाद भी हम इसे लगातार चला लेंगे, और अब ये पैन को छोड़ने लगा है और ये आटे के फॉर्म में बंधने लगा है। इसे चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। लम्स भी बन जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, जब आप चलाते रहते हैं ना धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे लम्स भी निकल जाते हैं इसमें से। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल डो की तरह हो गया है, आटे की तरह बिल्कुल चिपक रहा है कढ़ाई से इस तरह से। तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं, ये स्टिकी है अभी, तो 1 मिनट तक मैं इसे और भून लूंगी, क्योंकि हम इसे चेक कर रहे हैं ये बिल्कुल हमारे हाथ से नहीं चिपकेगा जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस समय पर थोड़ा पतला है, स्टिकी है, इसीलिए चिपक रहा है, और 1 मिनट तक इसीलिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो बिल्कुल आटे की तरह या फिर कहें कि मावे की तरह ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये तैयार हो गया है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है। अब हम इसे एक पैन में निकाल लेते हैं, इस पैन से निकालकर एक बर्तन में, प्लेट में निकालकर इसे ठंडा कर लेंगे। हमें इसे हल्का ठंडा करना है, हल्का गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा इसको नहीं करना है। और चाशनी तैयार कर लेते हैं अपने रसगुल्ले बनाने के लिए। तो यहाँ पर रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है, और उसमें डाल रही हूँ मैं 2 कप चीनी।
चीनी डालते हुए भी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, अदरवाइज तो चीनी जल जाएगी। तो अब हम डालेंगे एक कप पानी। दो कप चीनी में मैंने एक कप पानी डाला है। हमें चाशनी बनाते हुए ध्यान रखना है कि कोई तार नहीं बनानी है। इस समय हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और चीनी को घुलने तक लगातार हम इसे चलाते रहेंगे ताकि चीनी नीचे जल ना जाए। जल गई तो हमारे रसगुल्लों में स्मेल आ जाएगी। तो चीनी घुल गई है। जब चीनी घुल गई है तो मैं इसमें कुछ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ केसर के धागे। ये ऑप्शनल है, आप इसमें केसर का धागा नहीं डालना चाहते तो फ्लेवर कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे गुलाब जल डाल लें, केवड़ा वाटर डाल लें, या फिर इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इलायची पाउडर भी हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसे उबलने देंगे। इसे हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में। बहुत ज़्यादा टाइम इसे उबलने में नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में चाशनी बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार चेक कर लें चाशनी को। आप इसमें कोई फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कोई कलर वाले रसगुल्ले चाहिए तो आप फूड कलर भी इसमें डाल सकते हैं चाशनी में। तो अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, देखिए इस तरह से हाथ पर थोड़ी सी चाशनी लेकर आप चेक कर लें तो ये थोड़ा सा चिपचिपी है, इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। जब मैं इसे इस तरह से कर रही हूँ, देखिए आप, कोई तार नहीं है इसमें। तो हमें इसी तरह की चाहिए, हमें गाढ़ी चाशनी नहीं तैयार करनी है, बस चिपचिपी चाहिए। तो अब हम इन चाशनी को भी रख देते हैं और आटे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट है। तो इस समय पर 1 चम्मच देसी घी हम इसमें डालेंगे और हाथ से इसे आटे की तरह गूंथ लेंगे। करीब 4 से 5 मिनट तक हमें गूंथ कर स्मूथ कर लेंगे, बिल्कुल जब तक ये चिपकना छोड़ देगा और बिल्कुल आटे की तरह हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ और चिकना। क्योंकि हम सूजी के रसगुल्ले बना रहे हैं तो हमें इसको मावे की तरह बिल्कुल स्मूथ करना है। जितना अच्छे से हम इसे स्मूथ करेंगे ना, उतने ही अच्छे हमारे रसगुल्ले तैयार होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे, उसके अंदर गांठ नहीं बनेगी। तो इसीलिए ये प्रोसेसर करना बहुत ज़रूरी है। 4 से 5 मिनट आप इसे बिल्कुल स्मूथ कर लें। हाँ, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, अगर आपका डो हार्ड हो गया है तो आप इसमें 2 चम्मच दूध भी मिक्स कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है तो आप इससे 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या है, सॉफ्टनेस आ जाएगी, बिल्कुल आपका डो ठीक हो जाएगा। तो देखिए हम इसे चेक कर लेते हैं स्मूथ करने के बाद, बिल्कुल चिकना हमारा जो बॉल तैयार हुआ है। और जब हम इसे टच कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई चिपचिपाहट इसमें नहीं है। इस तरह से आप इसे चेक कर लें। तो अब हम इसका बिल्कुल रोल तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें काला जामुन बना रही हूँ। काला जामुन में अक्सर अंदर कलर होता है, जो हलवाई के बनाए हुए होते हैं उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होता है, इलायची पाउडर होता है। तो आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसका 1/3 पोर्शन मैंने निकाल लिया है और इसमें अब मैं डालूंगी इलायची पाउडर और कलर। ये ऑप्शनल है, आप कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। इलायची पाउडर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और मैं थोड़ा सा इसमें येलो कलर का फ्लेवर दूंगी, येलो कलर दूंगी। तो आप इसमें ऑप्शनल है, आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो एक छोटे से पोर्शन में हमने इस तरह से 1 चुटकी कलर ऐड किया है और इस तरह उसे गोला बना लिया है, उसको इकट्ठा करके। तो अब हम इस स्टफिंग की छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लेंगे, जो कि हम इसके अंदर स्टफ करेंगे अपने काला जामुन के अंदर। तो बहुत छोटी छोटी सी बॉल इसकी बनाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप स्टफिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज बिना स्टफिंग भी आप काला जामुन तैयार कर सकते हैं। बस आपको बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है, चाशनी को बहुत गाढ़ा या बहुत पतला नहीं रखना है। तो इस तरह की कुछ टिप्स हैं, जो आप पूरी वीडियो देखें तो आप बहुत अच्छे रसगुल्ले बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो लोई ले ली है एक और सफ़ेद वाले पोर्शन से, उसके अंदर ये कलर वाली बॉल रखी है और बिल्कुल इसे फिल कर दिया है, जैसे कचौड़ी फिल करते हैं इसी तरह से बिल्कुल सील कर देंगे। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर क्रैक्स हुए तो रसगुल्ले बनाते हुए हमारे रसगुल्ले फट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल कोई क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल प्लेन इसे चिकना कर लिया है। इसी तरह से हम एक और बॉल लेंगे, नींबू के आकार की बॉल ले लें, उसके अंदर जो हमने छोटे छोटे कलर वाले बॉल्स तैयार की हैं उसको हम फिल कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से उसके अंदर सील कर दें। और जब हम इसे लॉक कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कोई क्रैक्स इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इस तरह हथेलियों के बीच में उसे घुमाते हुए गोल गोल बिल्कुल चिकना कर लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी क्रैक्स रह गया ना
तो तलते हुए हमारे रसगुल्ले फट जाएंगे। तो यही कारण है रसगुल्ले फटने का। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल चिकनी बॉल्स मैंने यहाँ पर तैयार कर ली हैं और करीब 15 से 17 बॉल हमारी तैयार हुई हैं। अब हमने ऑयल भी गरम कर लिया है, घी को गरम कर लिया है और एक रसगुल्ला मैंने उसमें डाल दिया है। तो हमें ध्यान रखना है जब हम सूजी के रसगुल्ले फ्राई करते हैं ना, तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ऑयल को हमें मीडियम हीट पर गरम करना है। और अगर हम मावे के रसगुल्ले बना रहे हैं तो हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो सूजी के अक्सर हम अगर लो फ्लेम पर करेंगे तो सूजी के रसगुल्ले उसी के अंदर घी के अंदर खुल जाएंगे, फैल जाएंगे। और रसगुल्ले डालने के बाद हमें थोड़ी देर बिल्कुल भी घी को टच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। थोड़ा सा उसके ऊपर हल्की सी लेयर आ जाएगी, हल्का सा वो सिक जाएगा 1 मिनट तक। उसके बाद हमें हल्का सा पैन को हमें हिलाना है, रसगुल्ले को हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। चाहे वो हम कोई भी रसगुल्ला बना रहे हो, मावे से बनाएं, सूजी से बनाएं या मिल्क पाउडर से बनाएं, कोई भी रसगुल्ले को। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे रसगुल्ले डालने के बाद मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है और अब इस तरह से पैन को हल्का हल्का सा मूव करेंगे, बहुत हल्का सा। आप देख रहे होंगे कि बहुत हल्का हल्का मैं इसको हिला रही हूँ। इससे क्या होगा, रसगुल्ले अपनी जगह छोड़ देंगे और देख रहे होंगे जो नीचे से सिका हुआ पोर्शन है वो हल्का हल्का ऊपर आ गया है मूव होकर। तो बस इसी तरह से हमें इसको सेकना है, फ्राई करना भी इसमें मेन है। अगर आपने इसे टच कर दिया तो ये घी में फैल जाएगा, अगर बहुत लो फ्लेम में कर दिया तो ये घी में फैल जाएगा। उसके बाद जब हम इसे मूव कर लेते हैं थोड़ा सा, जब ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो कोई भी फॉक या कोई स्टिक लेकर बहुत हल्का सा उसे हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे रसगुल्ले को जब तक उसमें कलर नहीं आ जाता है। तो देखिए जब कलर आ गया है तो आप देख रहे होंगे मैं फॉक से इसे बहुत हल्का हल्का सा हिला रही हूँ। अगर आप गुलाब जामुन बना रहे हैं लाइट कलर में तो आप अभी भी इसे पैन से बाहर निकाल सकते हैं और चाशनी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं काला जामुन बना रही हूँ तो इसमें हल्का सा कलर और दूंगी, थोड़ा सा मैं इसको काला करूंगी। तो यहाँ पर हम अभी भी निकाल सकते हैं अगर हम गुलाब जामुन इसके बना रहे हैं। और ध्यान रखना है कि जब हमने मीडियम हीट पर डाला था और लास्ट में हम इसका फ्लेम हल्का सा लो कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे वरना तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर हम पूरे टाइम इसको मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। तो इस समय पर थोड़ा सा गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है, तो अब रसगुल्ले में जो कलर है ना ब्लैक कलर आ चुका है, तो अब मैं इन्हें चाशनी में डाल दूंगी। इस समय पर चाशनी हल्की गर्म है, बहुत तेज गर्म नहीं है, हमें ध्यान रखना है। चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए जब हम इसके अंदर रसगुल्ले डाल रहे हैं, या फिर बहुत तेज गरम उबली हुई भी नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मीडियम गरम होनी चाहिए और बहुत पतली या बहुत गाढ़ी भी ना हो। तो अब ये रसगुल्ले हम इसी तरह से बनाकर सब चाशनी में डाल देंगे और 1 से 2 घंटे के लिए इन्हें ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सभी रसगुल्लों में चाशनी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सभी काला जामुन तैयार कर लिए हैं और देखिए इस तरह से एक बार उन्हें नीचे कर देते हैं फॉक से ताकि सभी रस में अच्छी तरह से डूब जाएं। तो अब हम इन्हें ढककर रख देंगे, उसके बाद हम दिखाते हूँ मैं आपको काला जामुन कैसे तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं, सॉफ्ट हैं बिल्कुल। तो देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है इसमें काला जामुन का। बस कुछ थोड़ी सी टिप्स हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से बनाते हैं तो आपके रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया बनते हैं। चाहे आप गुलाब जामुन बनाएं, काला जामुन बनाएं, मावे से बनाएं या सूजी से बनाएं। तो देखिए मैं आपको काटकर यहाँ पर दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही आसानी से हमारी स्पून इसमें चली गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे नई और इजी रेसिपी के साथ।